शुभ, मैं कंचनलता, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी का अपनी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे तथा हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों का आनंद भी ले रहे होंगे और अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चों, इसी क्रम में आज हम हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 मैं हिंदी हूँ पढ़ेंगे। बच्चों, मैं हिंदी हूँ शीर्षक को पढ़कर ही लगता है जैसे कि हिंदी अपना पहचान बता रही है, अपने विषय में बता रही है। जैसे आप किसी के सम्मुख खड़े होकर अपना नाम बताते हैं, मैं रोहन हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं गीता हूँ, मैं राधा हूँ, मैं रानी हूँ, या जो भी जिसका नाम होता है वो बताता है। ऐसे ही आज हमारे सामने हमारी हिंदी भाषा खड़ी है। आज हमारी हिंदी भाषा को अपना पहचान, अपनी पहचान क्यों देनी पड़ रही है बच्चों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हिंदी को उपेक्षित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके सम्मान में कमी ला रहे हैं, जिसके वजह से इसे अपना परिचय देना पड़ रहा है। आज हम सब अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और पूरे विश्व में इसकी पहचान है, किंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी किसी से कम है या कमज़ोर है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हमारी राजभाषा भी है। हमारे सारे सरकारी कामकाज इसी भाषा में होते हैं तथा ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश को जोड़ने का ताकत रखती है, एक सूत्र में पिरोने का ताकत रखती है, हमारी एकता का ये सूत्रधार है। तो बच्चों, हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें रचनाएं करके कहानीकार, लेखक, कवि, उन्मेषक, समालोचक बहुत से लोग अमर हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी अमर होंगे, पर हमारी हिंदी भाषा में जो मिठास है, भावों की अभिव्यक्ति करने का जो ये माध्यम है, वह कोई और भाषा नहीं ले सकती। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल। अर्थात अपनी निज भाषा, अपनी मातृभाषा की उन्नत के लिए हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए और इसके ज्ञान के बिना और इसमें जो भावों को अभिव्यक्त करने का एक भाव है, एक सुंदर अर्थ है, शब्द है, वह किसी और भाषा से हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का माध्यम सबसे बढ़िया अगर कोई होता है तो वो हमारी मातृभाषा होती है। और बच्चों, हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी है, प्यारी हिंदी। आइए हम इसको देखते हैं, जिसको गीता रानी ने लिखा है। ये इसकी कवि हैं, बहुत ही अच्छी कविता लिखी है इन्होंने। आइए हम पढ़ते हैं। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मातृभाषा तुम्हारी, भारत की संस्कृत मैंने ही संवारी। मेरा खजाना बड़ा भरा पूरा, मेरे कवियों के बिन साहित्य अधूरा। मैंने बहाई है भावों की गंगा, पीड़ित विचारधारा को मैं करती चंगा। जरा मेरी धारा में डुबकी लगाओ, भावों के रत्न मोती भरपूर पाओ। कहाँ तक सुनाऊँ मैं अपनी कहानी, नित नई निखरती मेरी नौजवानी। मेरा रंग रूप बहुत सरल सादा, किंतु मुझ में सत्य का सौंदर्य ज़्यादा। मेरी सेवा करके अमर हो गए जो प्रेमचंद्र महादेवी, प्रसाद पंत हैं वो। मेरे उपासक लेखकों को जब जान लोगे, मेरा पूरा परिचय तभी पा सकोगे। डॉक्टर गीता रानी। बच्चों, आपने ये कविता देखी, बहुत ही सुंदर भाव भरी कविता है। हमारी मातृभाषा में तो हमारे सभी भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए सुंदर सुंदर शब्द हैं, जबकि हम किसी अन्य भाषा में जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें शब्द ढूंढना पड़ता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब हिंदी बता रही है कि मैं क्या हूँ। मैं हिंदी हूँ मातृभाषा तुम्हारी, भारत की संस्कृत मैंने ही संवारी। वो बता रही है कि मैं हिंदी हूँ और तुम्हारी मातृभाषा हूँ, माँ की भाषा हूँ, जो बच्चा पैदा होते ही
अपनी माँ से सुनता रहता है और जब उसकी बोलने की क्षमता विकसित होती है तो वह सबसे पहले उसी भाषा में माँ कहकर बोलता है। मेरा खजाना बड़ा भरा पूरा, मेरे कवियों के बिन साहित्य अधूरा। और फिर कहती है हिंदी कि मेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा भरा हुआ है मेरा खजाना, और मेरे बिना तो कवियों का साहित्य अधूरा है। मैंने बहाई है भावों की गंगा, पीड़ित विचारधारा को मैं करती चंगा। और तो और मेरी भाषा ऐसी है, मैं हिंदी की मेरी जो भाषा है वो इतनी सुंदर है कि पीड़ित लोगों को भी इससे उपचार मिल जाता है। मैं सबको चंगा कर देती हूँ, सबको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मैं भावों से उनका उपचार करती हूँ, भावों की रसधारा बहाती हूँ। जरा मेरी धारा में डुबकी लगाओ, भावों के रत्न मोती भरपूर पाओ। फिर हिंदी कहती है कि मेरी धारा में डुबकी लगाओ, डुबकी लगाना मतलब नहाना, मेरी जो भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है उसमें जरा डुबकी लगाओ तो तुम्हें भावों के सुंदर सुंदर रत्न मोती भरपूर मिलेंगे। कहाँ तक सुनाऊँ मैं अपनी कहानी, नित नई निखरती मेरी नौजवानी। और मैं जितना ही कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा सेवन की जाती हूँ, लिखी जाती हूँ, पढ़ी जाती हूँ, उतना ही मेरी जवानी नौजवानी निखरती जाती है, अर्थात मुझमें निखार आता जाता है। तो मैं कहाँ तक अपनी कहानी सुनाऊँ, यानी कि बहुत लंबी कहानी है। मेरा रंग रूप बहुत सरल सादा, किंतु मुझमें सत्य का सौंदर्य ज़्यादा। मेरा रंग रूप सादा है, सरल है, सहज है, किंतु मुझमें सत्य का सौंदर्य सबसे ज़्यादा है। मैं सत्य हूँ। मेरी सेवा करके अमर हो गए जो, प्रेम चंद महादेवी प्रसाद पंत हैं वो। बच्चों, ये सभी उन लेखकों कवियों के नाम हैं जो हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं रचकर पूरे संसार में मान सम्मान के पात्र बने, और आज वो इस दुनिया में नहीं है किंतु उनका नाम लिया जाता है, अर्थात तो वो अमर हो गए हिंदी भाषा में रचनाएं रच रच कर। मेरे उपासक लेखकों को जब जान लोगे, मेरा पूरा परिचय तभी पा सकोगे। फिर हिंदी लास्ट में कहती है, जब मेरे उपासक, उनके हिंदी के उपासक कौन है, उसके कवि और लेखक साहित्यकार जो हिंदी में लिखते हैं, चाहे कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, कोई लेख लिखें, निबंध लिखें, कुछ भी लिखें, तो जब आप उनको जान लोगे, यही उनके पूजक हैं, तभी आप मेरा पूरा परिचय पहचान सकोगे, मुझे जान लोगे। और इसकी कवि हैं डॉक्टर गीता रानी। अब बच्चों हम कठिन शब्द देखते हैं। मातृभाषा, साहित्य, उपासक तथा लेखक, सरल और सादा, ये आपके कठिन शब्द हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में 3 बार लिख लीजिएगा। शब्दार्थ, मातृभाषा अपने घर में बोली जाने वाली भाषा, साहित्य कहानी, नाटक, कविता आदि रचनाएं, सरल और सादा आसान, आडंबर रहित, उपासक पूजा करने वाला, लेखक लिखने वाला। बच्चों ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा तथा अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अपना गृह कार्य आप समय पर पूरा कर लीजिएगा। बच्चों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।